तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो पूरे चारों साइड वाटरफॉल ही वाटरफॉल है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है यहाँ आना, सबके बस की बात नहीं है, इसीलिए हाइडेड वाटरफॉल करके नाम है इसका। थोड़ी देर पहले अभी मैं टॉप पे था, वो जहाँ तक पहुँचना था वहाँ तक तो नहीं पहुँचे, लेकिन फिर भी एक वाटरफॉल मेरे पीछे देख सकते हो आप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ ये वाटरफॉल जो पुणे से करीब 70 किलोमीटर दूर है, और अभी हम आधे से ज़्यादा निकल गए क्योंकि बारिश आ रही थी, उसी वजह से अभी मैंने बहुत लेट ब्लॉग चालू किया। तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं आपको मिल्की वाटरफॉल। और आज भी मेरे साथ है अभिषेक जो मेरा दोस्त है, तो उसके साथ आ रहा हूँ। और देख सकते हो आप ये व्यू पहाड़ों का। तो अभी फुल बारिश चालू हो गई है, तो भी अभी गोप्रो लटका के रखा हो क्योंकि कब बारिश बंद हो जाए बता नहीं सकते। तो अभी अपन पहाड़ पे चल रहे हैं क्योंकि ये पूरा रास्ता पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो यहाँ तामिनी घाट भी बीच में पड़ता है अपने को, तो वो भी देख लेंगे अपन। और उसके बाद हमको जाना है मिल्की वाटरफॉल, तो वहाँ निकलेंगे अपन। तो व्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ एक जगह दिखी मेरे को रुकने के लिए, तो वहाँ बाइक लगाते और आप ये व्यू देख लेना। देख सकते हो ये व्यू पूरा इतना सुंदर। चारों साइड पहाड़ और बीच में पूरा झील है बनी हुई, तो बहुत ही मस्त लग रही है ये। तो चलो ऐसे निकलते इस व्यू पॉइंट से और चलते अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और यहाँ देखो छोटा सा वाटरफॉल है राइट साइड में, वो निकलते हैं अभी यहाँ से मस्त। और ऐसे बारिश में बहुत मज़ा आ रहा था, और अभी अच्छे से बारिश रुक गई है पूरी। देख सकते हो राइडर, तो चलो निकलते हैं अब। कर रहे फिर से अपने रास्ते पर, और यहाँ से तो जाने की इच्छा नहीं हो रही थी लेकिन अपने को वाटरफॉल में भी एंजॉय करना है, तो उसके हिसाब से निकलते अपन जल्दी से। और बहुत मस्त मज़ा आ रहा है प्लेन रास्तों पे गाड़ी चलाने में, तो मस्त एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। क्योंकि आज मैं सुबह ही निकल गया था 9:30 बजे, तो बहुत टाइम है अपने पास, और हर बार ज़्यादा से ज़्यादा 12-1 बजे तक जाते थे हम, तो उसी वजह से टाइम नहीं रहता था। तो आज अपने पास बहुत ही टाइम है, मस्त निकलते हैं आराम से और पहुँचते डेस्टिनेशन तरफ। तो देख सकते हो ये पूरे व्यू इतने ख़तरनाक आ रहे हैं व्यू यहाँ पर, क्योंकि ये पूरी सह्याद्री की पहाड़ियाँ है और बारिश की वजह से पूरा ऊपर का पानी नीचे उतर रहा है। वो भी एक वाटरफॉल दिख रहा है ऊपर राइट साइड में, पर वहाँ तक जाने का कोई रास्ता नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर है वो। ऐसे यहाँ से लग रहा है पास में ही है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर है वो, तो वहाँ नहीं जा सकते। स्पेशल सा व्यू दिखाता हूँ अभी यहाँ से। तो देख सकते हो आप ये पूरा पहाड़ी पहाड़ और पूरे पानी गिर रहा है, वो एक झरना है। तो ये व्यू देख सकते हो कितना प्यारा है, और चारों साइड में पूरे झरने झरने। तो ये रोड पे से आता है जो तमन्नी घाट है उसी तरफ से, तो देख सकते हो वहाँ लोग हैं, लेकिन हम कुछ स्पेशल है इसीलिए हम कुछ अलग जगह पे आए हैं। तो निकलते अभी अपने वाटरफॉल तरफ। अभी हम मिल्की वाटरफॉल का ट्रैक कर रहे हैं, और हाईवे से मतलब जहाँ से रोड है वहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। तो चलते हैं जल्दी जल्दी। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो पूरे चारों साइड वाटरफॉल ही वाटरफॉल है, और इतना मौसम है और ऑलमोस्ट 2 बज गए क्योंकि हम थोड़ा रास्ता भटक गए थे, यहाँ से 20 किलोमीटर आगे निकल गए थे, तो उसी वजह से। तो अभी रिटर्न आए और अभी ट्रैक चालू किए, जस्ट 15-20 मिनट हुआ चल के। तो यहाँ से जो व्यू आ रहा है बहुत ही अच्छा आ रहा है,
और देख सकते हो ये पूरे चारों साइड में वाटरफॉल, हर साइड में जितनी भी यहाँ साइड है उस साइड वाटरफॉल स्टार्ट हो गए। और मेरा पार्टनर है आज अभिषेक, तो कुछ इस तरह का रास्ता है अपना। बहुत लोग अंदर गए हैं क्योंकि हम बहुत लेट हो गए उसी वजह से। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा वाटरफॉल दिख रहा है, आप देख सकते हो वो वहाँ से पानी उतर रहा है। तो चलो चलते, और आप कभी आओगे यहाँ तो देख लो, थोड़ा सा स्लिप होने वाला रास्ता है तो उसके हिसाब से बना व्यू। तो कुछ इस तरह का ट्रैक है, और बहुत जाते समय तो उतना कुछ नहीं लगेगा लेकिन रिटर्न आते समय बहुत, तो बहुत हार्ड ट्रैक है, ऐसा कोई इजी नहीं है क्योंकि प्रॉपर रास्ता है ही नहीं यहाँ पर, तो बहुत डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है यहाँ आना, सबके बस की बात नहीं है, इसलिए हाइड्रेट वाटरफॉल करके नाम है इसका। तो ऐसे छोटी छोटी जगह से जाना है अपने को, और यहाँ से तो चलो निकलते हैं जल्दी से। क्रॉस करके जाना पड़ता है आपको, तो अभी मैं बीच में रुक गया, तो अभी तक तो वाटरफॉल मिला नहीं। ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर की चढ़ाई किया हूँ और देख सकते हो पहाड़ का इंड आ गया, लेकिन फिर भी वाटरफॉल है ही नहीं यहाँ पर। तो शायद ऐसा लग रहा है कि आप किसी दूसरे साइड में वाटरफॉल होगा, तो अभी निकलते क्योंकि वाटरफॉल तो कुछ मिला नहीं। तो देख सकते हो फिर भी लास्ट तक आया उस स्टॉप से, तो अभी तक तो मिला नहीं, तो भी एक ट्राई वहाँ तक चढ़ के देखता हूँ, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, मैं तो रिटर्न चले जाएंगे क्योंकि मेरे साथ के पूरे पार्टनर वगैरह सब नीचे ही है, मैं अकेला ही ऊपर आया हूँ, तो अभी देखते हैं क्या होता है। अपना पूरा सामान यहीं रख के जा रहा हूँ क्योंकि ऊपर चढ़ना है, और ये बहुत वेट हो रहा है क्योंकि मेरे को कन्फर्म नहीं है का ऊपर ही वाटरफॉल है, तो मैं चेक करके आ रहा हूँ, एक बैग लेके जा रहा हूँ अपने साथ, जहाँ मोबाइल वगैरह है मेरा, तो अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं, मिल गया तो अच्छी बात है नहीं तो रिटर्न हो जाएंगे। तो थोड़ा चलते हैं ऊपर, जैसा वीडियो में दिखाया रहता है ट्रैक इजी है लेकिन नॉट अ इजी ट्रैक, मैंने बहुत कोशिश की, अभी तक कोई वाटरफॉल है नहीं। तो फिर चढ़ते एक बार, शायद उसको ओपन मिल जाए, इसलिए मोबाइल वगैरह पकड़ लिया मैंने, बाकी टैग वगैरह नीचे ही छोड़ दिया हूँ, तो आगे चल के देखते हैं होगा तो ठीक, मैं तो रिटर्न हो जाएंगे। तो क्या आप मेरे पीछे वहाँ पे मैंने बैग वगैरह रखा, अभी ऊपर जा रहा हूँ मैं, तो ये पॉइंट तक देखते हैं, मिल गया वाटरफॉल तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से ऐसा लग रहा है कि रास्ता बना हुआ है ऊपर तक, तो भी देखते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा कि इस साइड वाटरफॉल होगा क्योंकि बस उतना ही दिख रहा है, और मेरे पीछे देख सकते हो मैं कितने ऊपर चढ़ा, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर ऊपर हूँ, तो भी एक बार वहाँ तक देखते, अगर वही होगा तो अच्छी बात है। लेकिन वीडियो में देखा था मैंने किसी के, तो ऐसा कुछ व्यू नहीं था वहाँ, तो भी एक बार चढ़ते ऊपर।
तो वाटरफॉल तो नहीं मिला, बस एक छोटा सा वाटरफॉल मिला। और देख सकते हो वो जो नीचे का पॉइंट है वहाँ से ऊपर तक आया मैं, और ये मिला। लेकिन ये जो मिल्की बार वाटरफॉल है वो नहीं है, लेकिन इसमें इंजॉय करना पड़ेगा क्योंकि फिर से थोड़ा ऊपर आया मैं। फिर भी आगे कुछ भी नहीं है, बस रास्ता ही रास्ता बनते जा रहा है, तो उतने ऊपर नहीं जाऊंगा मैं। अब मेरे पीछे देख सकते हो ये व्यू। तो अभी जितने आसानी से ऊपर चढ़ा उतने आसानी से उतरना मुश्किल है, क्योंकि बारिश में नीचे के साइड में पाव स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उसी वजह से अब धीरे धीरे उतरना पड़ेगा। और मुझे लगा और थोड़ा सा ऊपर जाके मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। तो अब उतरते नीचे। तो थोड़ी देर पहले अभी मैं टॉप पे था ऊपर, तो वाटरफॉल तो इस साइड है ही नहीं, शायद किसी दूसरे साइड में होगा। तो अभी तो ऑलमोस्ट 3:30 बज चुके हैं, तो हमको तो मुश्किल है वाटरफॉल मिलना। तो अभी यहाँ से उतरते, कई अच्छी जगह देख के मस्त इन्जॉय करते थोड़ी देर, और फिर अपना ट्रैक चढ़ते। तो अभी मैं उस टॉप पर गया था, उसके ऊपर भी रास्ता ही रास्ता है, लेकिन इस साइड कोई झरना नहीं है, शायद किसी दूसरे साइड में होगा जिसका प्रॉपर रास्ता बना हुआ नहीं है। तो अभी से एक भी पूरा भटक गया था अभी तक। तो अभी वो ऑलमोस्ट अभी जस्ट पहुँचा है थोड़ी देर पहले, और मैं तो ऊपर से नीचे आ गया हूँ। तो अभी यहाँ से नीचे उतरते और उसके बाद आगे चलते। तो अभी यहाँ से निकलने को ही हूँ, थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे हैं यहाँ पर, और ये फ़ोटोज़ आपको इंस्टाग्राम पर देखने मिल जाएंगी। और पूरा बारिश का मौसम हो चुका है, फिर भी हम यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इतने ऊपर चढ़ने के बाद कहीं भी मौका मिला तो इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी की वजह से अभी फुल इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, और ये भी इधर मस्ती कर रहा है, मैं इसकी फ़ोटोज़ वगैरह ले रहा हूँ। तो अभी फ़ोटोशूट वगैरह करते और फिर उसके बाद। तो अभी यहाँ से निकलते सबसे पहले, क्योंकि 4 बज चुके यहीं पर, और कोशिश करते वो अगर वाटरफॉल मिलता होगा पास में होगा तो वहाँ चलते, नहीं तो कहीं छोटी सी जगह देख के इंजॉय करते थोड़ी देर। और फिर और जितना हम नीचे आए हैं उससे बड़ा ट्रैक ऊपर है, तो ऊपर चढ़ना भी है। ऊपर से मेरे पास 2 बैग है और मेरे जैकेट वगैरह, उनका वेट इसके साथ ऊपर चढ़ना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो अभी चलते हैं ऊपर और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और ये उतरने वाला ट्रैक आपको दिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा मैं। तो अभी से एक रेडी है क्या? चल निकलते हैं। तो दोनों अभी बैग कुछ लटका के तैयार है, तो चलो निकलते आगे और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो जहाँ तक पहुँचना था वहाँ तक तो नहीं पहुँचे, लेकिन फिर भी एक वाटरफॉल मेरे पीछे देख सकते हो आप, और 100-200 फीट के ऊपर का वाटरफॉल है, और आप ये व्यू देख सकते हो। और यह है वाटरफॉल जहाँ तक पहुँचना था, लेकिन इतने ज़ोर से इतने पावर से पानी नीचे आ रहा है, या उसके नीचे नहीं जा सकता। तो साइड से देख सकता हूँ, तो वहाँ जाके इंजॉय किया, लेकिन मेरे पास गोप्रो वाटरप्रूफ नहीं था, तो उसी वजह से वहाँ तक अंदर तक नहीं गया। तो अभी यहाँ से निकलते क्योंकि यही 5 बज चुके, तो अभी उतरते और चलते। तो फाइनली अभी ऊपर तक ट्रैक करके पहुंच गए अपन। तो अभी निकलते और आप फिर से व्यू देखो। ऑलमोस्ट बोलते 2.5 किलोमीटर पर करीब करीब 4 किलोमीटर की चढ़ाई है, और 4 किलोमीटर उतरना, और उसके बाद में भी हमको जो वाटरफॉल पे जाना था वो नहीं मिला। तो जिस पे हम गए वो आप वीडियो में देख लेना, लेकिन पॉसिबल हो नेक्स्ट संडे वगैरह तो फिर से आएंगे। और जो मिल्की बार वाटरफॉल है वो दिखाएंगे। तो अभी निकलते हैं यहाँ से जल्दी से और मिलते हैं आपको मोटो ब्लॉग पर। देख सकते हो वहाँ पे ब्यूटीफुल व्यू, और ये पहाड़ बहुत पसंद आया मेरे को। कभी लाइफ में कभी ऐसा मौका मिला कि यहाँ चढ़ना पड़े तो ज़रूर चढ़ूँगा मैं, क्योंकि पहाड़ों से बहुत लगाव है। तो मुझे पसंद भी है ट्रेकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा, और मोटो ब्लॉगिंग बाइक चलाना बाइक राइडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसी के साथ अपन अभी अपने जगह पर पहुंच गए हैं जहाँ अपने बाइक पार्क है, बस थोड़ी देर में अपन निकलेंगे और फिर निकलेंगे पुणे के लिए।
और देखते हैं कहीं रास्ते में अगर कोई और वाटरफॉल मिल गया तो थोड़े देर इंजॉय कर लेंगे, क्योंकि मेरे साथ में जो था वो पार्टनर तो उसको इंजॉय करने नहीं मिला क्योंकि वो अलग हो गए थे हम नीचे जाने के बाद। वो ज़्यादा मैं ज़्यादा ही फास्ट था, वो बहुत स्लो था, उसी वजह से हम बहुत अलग हो गए थे। तो अभी उसको भी थोड़ा सा कहीं मज़ा वाटरफॉल का मज़ा लेना है, तो देखते हैं अब कहाँ रुकते हैं, तो मिलते हैं वहाँ और मिलते हैं अपने मोटो ब्लॉक सेटअप पर। वो ये अपनी बाइक है और डीजे ऊपर आकर रुका था अभिषेक, तो अभी निकलते क्योंकि हम ऊपर मतलब जब नीचे गए थे हम अलग अलग हो गए थे, दोनों डिवाइड हो गए थे, इसलिए उसको बोला था मैंने कहा बाइक के पास आके रुकना, तो अभी ऊपर मिला। तो अभी निकलते यहाँ से और चलते अभी पुणे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, यही यहाँ पर ही 6 बज चुके हैं अभी, तो चलो निकलते हैं अब फुर्ती से। तो अभी जस्ट थोड़ी देर में अपन पुणे में पहुंच जाएंगे, तो ये व्लॉग यही ख़त्म कर देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि रात हो गई और उतना भी GoPro में उतना अच्छा नहीं दिखेगा, इसीलिए यही ये वीडियो ख़त्म करके मैं जाता हूँ अपने रूम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना,